बच्चे हैं दो, एक 7 साल का है बेटा कबीर सिंह और छोटी बेटी है 2 साल की बनी। इस टाइम आपसे कब उनकी बात हुई? आज 7:45 सुबह। क्या बोला? बस यही, मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा शाम को। कितने से बात? कितनी बात? मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। बदहवास, आंखों में आंसू, चीखती पुकारती ये आवाजें हैं एक माँ की, वो माँ जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, वो बेटा जो भारत माँ की रक्षा करते करते अपनी जन्म देने वाली माँ को अकेला छोड़ गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीते बुधवार हुए मुठभेड़ में आतंकियों से लड़ते लड़ते कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए और अपने पीछे अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गए। मनप्रीत की माँ चीखती पुकारती अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को बुला रही है, लेकिन वो आए भी तो कैसे? मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 बजे, 3 बजे दोपहर नू मेरी गल हुई थी, कहना मैं सुत्ता पिया उठा, तुसी भी आराम कर लो मम्मी, ओदे बच्चे भी आए हुए थे, वो भी गए संडे नू, रात रह के गए, कहने अगले महीने छुट्टी आना हफ्ते तक, नहीं हजे नहीं छुट्टी दे आना था, ट्रांसपोर्ट था जून तक, मई जून तक थी, मई जून तक रहना था उधर, 4 साल हो गए थे उन्हें श्रीनगर च, श्रीनगर च 4 साल हो गए अत्तवादियों नाल लोहा लंदे नू, 8-8 दिन साड़ी गल नहीं थी हुंदी उहदे नाल, असी फोन करना उन्हें चकना ना, असी बंद कर देना भी वह गल नहीं कर सकता, फिर आपे कर दता फोन, वेला हो गए करता, इन्ना काम था मेरे पुत नूं छुट्टी भी नहीं दिंदा, छुट्टी भी नहीं दिंदा, इन्ना काम सी, कहना मैं मम्मी किहदे सिर ते छड के आवां, मेरे सिर ते बहुत काम, मेरे पुत ने इन्ना उहदा लिया, छोटे च रह जांदा ना, करनल बणदा हले ना, बणदा हले तां उमर भी उहदी 40 साल थी, 40 साल उम्र थी हले उहदी, बच्चे भी छोटे, बच्चे हुण कित्थों पापा पापा कहणगे, कित्थों कित्थे जाणगे बच्चे, अपने बापां दे उसी रेजिमेंट दे विच जिहड़ी च फादर हुंदा इक नायक दी ड्यूटी करके आया, उस च अफसर बन के गया सी, कमाण वाली गल सी जी, गरीब परिवार दा बच्चा सी जी, फादर एक्सपायर हो गए सी 4-5 साल हो गए नी 2014, हाँ उन्होंने फादर रिटायरमेंट दे मैंने उस च जॉब करदे सी 2014 च होए अटैक हो गया सी उन्होंने, सिर दा अटैक हो गया सी, 10वां साल लग्या वा पापा नू, 10वां साल लग्या वा पापा नू, 10 साल बाद बेटा भी चले, 10 साल बाद बेटा भी चले गया, पापा भेजदे नहीं ते खोज च कहंदे सरकार अत्तवादी नहीं खत्म करती, सरकार कोई फैसला नहीं लैंदी अत्तवादियों ते, अत्तवादी खत्म कर देना, मावां दे पुत्त ना मरन, हाय मावां दे पुत्त ना मरन, मावां दे पुत्त मेरे वर्गियां बहुत तड़पदियां ने, मैं बहुत न्यूज़ां देखती रहती थी, मैं बहुत न्यूज़ देखती थी, हमेशा न्यूज ला के रखनी श्रीनगर दी, मेरा पुत्ता उत्ते, मेरा पुत्ता, कल मैं टीवी नहीं लाया, कल मैनू नहीं पता लग्या, मैं कितने गई थी रिश्तेदारी, आए शाम नू 5 बजे, फिर कहंदे फिर बड़ा जा पता लग गया है, मैनू दस्या ते उन्होंने मेरिया दराणिया जठाणिया ने, मैनू तो ऊ दस दियां तियां मेरे नाल गल्लां करी गईयां के
मैनू लगिया ओ दास दास मैं तू गल तुसी दस दे नी मैनू दस नहीं कहते नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है मैं समझ गई थी भी कोई गल मैं समझ गई थी मेरा बेटे पर ध्यान गया मेरे बेटे की गल खुली मेरे बेटे बाहर सड़क पर गई भज के लोग कट्ठे हुए मेरा पुत बहुत बहादुर सी मेरे पुत ने मेहनत बहुत करी मेरे पुत ने कर्नल मनप्रीत सिंह की घर में आखिरी बात बुधवार सुबह ही एनकाउंटर के दौरान हुई थी। मनप्रीत के बहनोई वीरेंद्र गिल बताते हैं कि उन्होंने खुद सुबह फोन पर कहा था कि वे अभी एक ऑपरेशन में हैं, बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो बाद कभी आएगा ही नहीं। लास्ट टाइम आपसे कब उनकी बात हुई? आज 7:45 बजे सुबह। क्या बोला तुमने? बस ये मैं कोर्डन में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा शाम को। कितने से बात हुई? इतनी बात हुई। उसके बाद आपको कब पता चला? उसके बाद 3:30 बजे के बाद मेरे पास फोन आया भी वो इंजर्ड हो गए। तभी हमने कोशिश की, एयरपोर्ट पे भी गए, लेकिन हमारी सुबह की फ्लाइट है, हम देखते हैं जैसे भी अगर वहाँ पहुँच पाए या उनको जैसे भी मृत्यु से बात होगी। उनकी पत्नी को मालूम है इसके बारे में? मालूम नहीं है, हमने पार्सली उनको बताया भी इंजर्ड हो गए, और जैसे ही कोशिश है हमारी भी रात निकले कम से कम। थोड़ा सा कर्नल साहब के बारे में बता दीजिए, आप जानते थे कैसा उनका जज्बा था? बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही मधुर, मैं उनके पास जाता रहता था, और पिछले साल उनको अपनी कार्यों की वजह से सेना मेडल भी मिला, और उनको मेरी तरफ से सलाम। और आज के दिन मनप्रीत सिंह जब शहीद हुए तो इसकी खबर उनकी पत्नी को नहीं दी गई, उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि वो घायल हैं। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची तो वहां मातम छा गया, सबकी आंखें नम हो गई। आज पूरा देश सच्चे सिपाही को नम आंखों से विदाई दे रहा है। वन इंडिया परिवार भी मनप्रीत की शहादत को सलाम करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।